नमो विग्रहाय नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्जायाणं नमो वज्जायाणं नमो लोये सव साहुणं नमो लोये सव साहुणं एषो पञ्चन मुक्कारो तव पावप्रणाशनो मंगलानं च सवेसिं परमं हवै मंगलम् ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद आपने सत्संग ज्ञान ए बधु ये वितराग भगवान ना हृदय में हतु ए मळ्यु छे એટલે લાસ્ટ લેવલનું જ્ઞાન આપણને મળ્યું છે. બરાબર છે. હવે એની સામે આપણો વ્યવહાર જોઈએ ને તો આપણને કોઈ ઉભા રાખે નહીં. સાચી વાત છે. એટલે આપણે એ વ્યવહાર જેટલો ટ્રાન્સપરન્ટ થાય, જેટલો પ્યોર થાય, જેટલો ટ્રાન્સપરન્ટ થાય, જેટલો ઓપન થાય એ આપણા જ્ઞાન નું પ્રમાણ આપશે. એટલે હું જાણું છું એ તો સારી વાત છે, પણ જાણેલાનું જ્યાં સુધી વ્યવહારમાં રિફ્લેક્ટ ના થાય, વ્યવહારની પ્યોરિટીથી, વ્યવહારની સ્ટ્રેટ ફોરવર્ડનેસથી, વ્યવહારની પ્યોર ચારિત્ર એવું ના થાય ત્યાં સુધી એના પર ફોકસ કરવાનું. એટલે આપણે શું કહીએ, નવ કલમોની ભાવના કરીએ છીએ ખરા. હવે નવ કલમોની ભાવના એને ક્રિયા સ્વરૂપે નથી લેવાની, પણ એક શુદ્ધિકરણની પ્રક્રિયા છે જે દાદા ભગવાને આપી છે, તેમાં આપણે તો ફાઇલ પાસે કરાવવાની છે, વારે વારંવાર કરાવવાની છે, રિપીટેડલી કરાવવાની છે. કારણ કે ક્યુંકી અભી હમારા વ્યવહાર જો હૈ વહ લોકપ્રિય તો ઠીક, લેકિન હમસે કહીં ને કહીં નવ કલમ કી કોઈ ન કોઈ કલમ ટૂટતી રહેતી હૈ. નવ કલમ કી મર્યાદા કા ભંગ હોતા રહેતા હૈ. ક્યા વહ હમ મહેસૂસ નહીં કરતે? કરતે બિલકુલ. તો બોલે કે જ્ઞાન તો અંદર હૈ હી, જ્ઞાન અંદર ખુલા હૈ, પ્રકટ હુઆ હૈ, લેકિન ઉસ જ્ઞાન કી પ્રત્યક્ષતા યાને અનુભૂતિ તબ તક નહીં હોગી જબ તક હમારી વ્યવહાર શુદ્ધિ નહીં હુઈ હૈ. યાને વ્યવહાર હમારા પ્યોર હોના જરૂરી હૈ, ટ્રાન્સપરન્ટ હોના જરૂરી હૈ. કિતની ભી બડી બડી બાતે કર લે તો વ્યવહાર શુદ્ધ નહીં હૈ. વ્યવહાર શુદ્ધ કી વ્યવહાર શુદ્ધ કા યા વ્યવહાર શુદ્ધિ કા પ્રમાણ ઇસ તરહ સે દિયા હૈ કિ ચારિત્ર સે પ્યોર, વાણી સે પ્યોર ઓર લક્ષ્મી કે વ્યવહાર સે પ્યોર. તો હમે કેસે વિચાર આતે હૈ પહેલે ઉસ પર ગૌર કરના હૈ, ધ્યાન રખના હૈ.
ऐसा बताया है कि शब्द मात्र प्रतिक्रमण मांगता है, क्योंकि शब्द वह अहंकार का ही प्रदर्शन है, अहंकार का ही एक्सप्रेशन है। तो ये तो कहां होता है, अच्छा बुरा चाहे ऐसा बोल ही लेते हैं। अगर हम सोच की बात करें, विचारों की बात करें, तो विचारों के प्रति भी यही हमारा अनुभव रहेगा कि अगर हमारे विचार कहीं पर इधर सर के ऊपर आज प्रिंट होते रहते हैं कि कैसे विचार आए। मैं मानता हूं कि हम अपना मुख किसी को दिखा पाएंगे नहीं, घर वालों को तो बिल्कुल नहीं जो साथ में रहते हैं ना। तो उसका मतलब यह हो गया है कि हम अब ये व्यवहार की कमजोरी को थोड़ी सीरियसली ले और उसके पीछे पड़ जाए, ऐसे ना पीछे पड़े कि हम खो जाए यानी उसकी किसी भी प्रकार की साइकोलॉजी हमें नहीं होनी चाहिए, पर हमें इतना तो महसूस होना ही चाहिए कि हमारा व्यवहार आज भी योग्य नहीं है। पैसे के व्यवहार में ट्रांसपेरेंसी, चारित्र के बारे में ओपननेस प्योरिटी, और वाणी के व्यवहार में कोई वाद विवाद नहीं। वाद विवाद, आखिर वाद विवाद का मतलब क्या है? हम कुछ बोले और सामने वाले उसके ऊपर विवाद होता है, यानी हमने कुछ कहा, सामने वाले ने किसी भी प्रकार से ऑब्जेक्ट किया, तो हम क्या करते हैं? सामने हम फिर उसका समाधान देते हैं कि हमने जो कहा वो यह है। तो ये विवाद का परिणाम कहा जाएगा। पहले तो वाद ही नहीं होना चाहिए, लेकिन आज हम ऐसी कक्षा में पहुंचे नहीं है कि जहां पर हमारा वाद भी याने शब्द भी नहीं निकले। जैसे महावीर भगवान 12.5 साल बिल्कुल शब्द का उच्चारण नहीं हुआ था, लेकिन वे व्यवहार में नहीं थे। उनका व्यवहार याने लोगों के साथ का जो हिसाब था वो पूरा हो गया था, याने लोगों के प्रति का उनका जो मेरापन था, ओनरशिप थी, वो पूरी हो गई थी। याने उनके लिए कोई मेरे है करके नहीं रहा। बोलिए। आमा दीपकानंद तमे बराबर बहु कयु, पण आपणे छे ने रजनीने वात थाय छे के आपणे व्यवहारमां शब्दने गमे ते बोलाई जाय छे जागृति नहीं रहती कि भाई पहला विचारी ने बोलिए कि एवं पॉज करीने बोलिए कि एवं, तो ए ए जागृति माटे शु करवू जोईए? बात सही है। ये तो पहले हम ये कहेंगे कि चलो जो बोला जाता है उसका प्रतिक्रमण कहाँ है। प्रतिक्रमण होगा तो जागृति बढ़ेगी। याने हो जागृति का मतलब क्या कहना चाहते हैं हम, कि होने से पहले हम जागृत हो जाएं, बोलने से पहले हमारा कुछ उसके प्रति कोई कुछ होगा। लेकिन यहाँ तो क्या है, जो बोला गया है ऑलरेडी, जो हम बोल चुके हैं, जो गलत है, जहां पर खींचातानी हुई है, उसका प्रतिक्रमण कहाँ हुआ है? अभी वो प्रतिक्रमण होगा, वो जो बर्डन है ना वो कम होगा, तो हम जागृत रह पाएंगे, वरना जागृत नहीं रह पाएंगे। दीपकानंद जी ते कहू वेरी बराबर कहू, आमा हम ते छा 3-4 सत्संग वेरी फोकस जाने रजनी थोड़ी प्रेक्टिस करे जाने पर हम ते
વિચારનું જાણ્યાર થાય છે, આ કરવાનું રજની શું, પણ આ જે શબ્દ ઉપર છે એના ઉપર અમે ફોકસ કરવો પડશે એવું લાગી રહ્યું છે. રાઈટ, બીકોઝ છેલ્લ આખીર કા પરિણામ શ્યાદ વાદ હૈ. હા, એ એ એ કલમ ચુકાઈ જાય છે. જો વેરી ગુડ. આખીર કા પરિણામ હમારી બાની જબ શ્યાદ વાદ હોતી હૈ તો હમારી કમ્પ્લીટનેસ કા વ પ્રમાણ દેતા હૈ. આપને સહી વાત કિયા, યે વો કલમ ચુકી જવાય છે. ઇસીલિયે એશા હમ કહેંગે કે જો કલમ કી મર્યાદા હમસે ભંગ હોતી રહેતી હૈ, ટૂટતી રહેતી હૈ, ઉસ વો કલમ કહાં હમ દોહરાતે હૈ. રોજ સુબહ મેં શાયદ એક બાર કિયા ઔર વો ખતમ હો ગઈ બાત. વૈસે દાદા ભગવાન ને ઉસકી ઉસકા ડોઝ દિન મેં તીન બાર મિનિમમ કહા હૈ. એક એક ઉદાહરણ દેતા હું. ये होम्योपैथी की कुछ ट्रीटमेंट में कैसा होता है कि बोले कि मुझे वॉमिट हो रही है, तो बोले ये गोली नॉर्मली तीन बार लेनी होती है, 3 times a day. फिर ऐसा बताया है कि अगर कंडीशन एक्यूट है एंड व्हाट इट मींस कंडीशन इज बैड, तो आपकी वॉमिटिंग बढ़ जाएगी. You will vomit more. तो बोले अगर वॉमिटिंग बढ़ जाती है, after every vomit, you can take one dose of, and one dose of homeopathic medicine is normally 4 to 6 to 8 pills or 10 pills, the small little one. That is its dose. So, ये हम सोचे, याने अगर वॉमिटिंग बार बार होती है तो आफ्टर एवरी वॉमिट यू हैव टू टेक वन डोज, समथिंग लाइक दैट टू अंडरस्टैंड. उसका मतलब क्या है कि हम दिन में 3 बार तो नहीं करते, और जब जब गलतियां होती है तब वह कलम कहां दोहराई जाती है. तो ऐसा हम कहेंगे कि अभी हमें जागृत होकर जब जब जो जो कलम टूटती है हमसे, तो वो हमें जागृत होकर दोहरा देनी चाहिए, यानी बोल देनी चाहिए, भाव उसका करेक्शन कर देना चाहिए. अभी ये तो कोई देखने जानने आने वाला नहीं है. वी नो वेयर वी स्टैंड, व्हाट वी डू, और उसके पीछे लगे रहना है. तो बोले कि वो सब परिणाम हम इच्छा करते हैं, ये सब जान लिया है, काफी हद से हमने समझ भी लिया है, ऐसा मानेंगे चलो एक अपेक्षा से. लेकिन ये हमारे सामान्य व्यवहार में जो 9 कलम की मर्यादा टूटती रहती है, तो उसके बारे में हमारी सीरियसनेस कितनी है वो सोचना चाहिए हमें, वरना बड़ी बड़ी बातें करने का कोई मतलब नहीं है. बेसिक 9 कलम का व्यवहार जब हमारा टूटता है, तो उसी पर हम फोकस करके उसकी लग जाना चाहिए. विनोद, आपको विनोद एज अ क्वेश्चन. जी, ये थोड़ा काफी कंफ्यूजन होता है इसके अंदर, कि जैसे सत्संग के अंदर ये बात निकलती है कि आप जैसे बोलते हैं कि भी जो है ये नवकर्मों का प्रतिक्रमण होना चाहिए, हमारे व्यवहार वाणी का प्रतिक्रमण होना चाहिए. तो मैं इसको लेके मैं काफी बार मैंने इस चीज पे विचार किया, क्योंकि सत्संग के अंदर कई दफा ऐसी बात निकलती है कि भी जो है मैं विनोद हूं ये मानना अतिक्रमण है, और मैं व्यवहार दृष्टि से विनोद हूं, रियल व्यू पॉइंट से शुद्धात्मा हूं, ये अगर हमारा तय हो गया तो प्रतिक्रमण उसके अंदर अपने आप आ गया, अलग से प्रतिक्रमण करने की जरूरत नहीं है. तो लेकिन ये बात मुझे समझ नहीं आती कैसे, किस दृष्टिकोण से वो बोला गया है. आज भी मैं उस चीज को सोच रहा था, तो मुझे असल जो रियल व्यू पॉइंट से मैं शुद्धात्मा हूं, ये पहले मैं विनोद था, कल आज जो है रियल व्यू पॉइंट से शुद्धात्मा हो गया हूं,
लेकिन उस मैं रियल व्यू पॉइंट से शुद्धात्मा हूं उस स्थिति के अंदर रह नहीं पाते। तो जब वो रह नहीं पाते हैं, जब सामने कोई इंद्रिय सुख का विषय आता है या कोई कर्तापना का कोई भी प्रसंग आता है, तो उसके अंदर वो बताया कि भी कर्ता पद और भोक्ता पद ये भ्रांति पद है, तो ये खाली गलत मान्यता के ऊपर जो है, तो उस भ्रांत मान्यता के अंदर फिर भी चले जाते हैं। तो उस भ्रांत मान्यता के अंदर हम क्यों चले जाते हैं, तो वो लिंक ठीक नहीं बैठ रहा है कि हमारी वो मन जो वीकनेस है वो बनी हुई है इसलिए हम भ्रांत मान्यता में चले जाते हैं, या कि हम भ्रांत मान्यता में चले जाते हैं अभी भी उस कारण हमारे वो मन वचन काय के दोष बने हुए हैं। तो ये थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन ठीक से समझ में नहीं आ रहा। एक बात, ये जो भ्रांति की बात है यानी वो अजागृति की बात है, वो बात अलग है। चाहे हम जागृत हो या ना हो, लेकिन अगर हमारी गलती है, मन वचन काया की किसी भी प्रकार की कमजोरी है जी, तो वो प्रतिक्रमण के पात्र है। मैं कोई अपशब्द बोल दूं, मैं कोई ऐसा दुर्व्यवहार कर दूं और मैं कहता हूं कि मैं शुद्धात्मा हूं, तो क्या मुझे प्रतिक्रमण की जरूरत नहीं है? प्रतिक्रमण की जरूरत है, लेकिन जो है प्रतिक्रमण उस मन वचन काय से जो हुआ उसका प्रतिक्रमण हो कि मैं उस, क्योंकि वो जब अतिक्रमण जब होता है वो मन वचन काया का, तो वही क्लैरिटी नहीं आ रही है कि वो अतिक्रमण होता किस लिए है, कि वो हमारे अंदर वो विचार वैसे पड़े हुए हैं, या कि मैं उस अपने शुद्धात्मा पद में नहीं रह पाता हूं और वो भ्रांत मान्यता के अंदर चला जाता हूं, उस कारण फिर मेरा सारा का सारा वो मन वचन काया के अतिक्रमण हो जाते हैं। एक बात ऐसी है कि अगर आप मन वचन काया के प्रति अजागृत है या अज्ञान सवार है, तो वह क्रिया जो होती है वो तो व्यवस्थित है, कुदरत से संचालित है, वो बताती है कि आपकी अभी भी अंदर गलती पड़ी है, कारण अंदर है, अभी गलतियों का बीज अभी जड़ से गया नहीं है। तो गलतियों का बीज है, पहले ये पहले क्लियर है। हाँ नहीं, वो क्लियर है, लेकिन वो गलतियों का बीज जो है वो भ्रांत मान्यता है या नहीं? Okay. नहीं, भ्रांत मान्यता यानी आज उसे क्या कहेंगे, आज के ज्ञान से हमें उसको जड़ मूल से निकालना है, यानी उसके प्रति का जो हमारा प्रतिक्रमण अभिप्राय है, जो अभी भी अंदर सूक्ष्मता से काम कर रहा है जी, हमें वो करवाता है अभी भी जी, अभी भी उसके संबंध में उसके पक्ष में हमारी मान्यता है कि वो ठीक है, वरना क्यों करेंगे, कैसे करेंगे? मेरी वाणी मेरी मान्यता के बगैर नहीं निकल सकती, ये तो ठीक कहेंगे कि ये भी गलत है? नहीं, वो मान्यता के बगैर वाणी निकलेगी कि नहीं निकलेगी, वही मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं कि मान्यता मैं विनोद हूं उस बेसिस के ऊपर वाणी निकल रही है कि अलग से वाणी की मान्यता अलग है। देखिए, मैं शुद्धात्मा हूं उसके संबंध में हमें कोई शंका है? अंडरस्टैंडिंग के लेवल पर शंका नहीं है, लेकिन जब प्रैक्टिकल प्रश्न बनता है, नहीं है उसका मतलब क्या है कि मेरी खुद की पहचान के संबंध में मुझे कोई शंका नहीं है, ठीक है, लेकिन अभी हमारा जो व्यवहार है, आई
के प्रति कोई कोई क्वेश्चन डाउट नहीं है, लेकिन अभी जो मसाला पड़ा है ना वो बहुत बहुत कुछ करवाता है, जिसे किसी को न किसी को दुख होता है हमसे जी। अगर किसी को दुख नहीं होता है तो किसी को देख के हमें अभाव होता है, ये ठीक नहीं रहते, ऐसा नहीं होता है? बिल्कुल होता है। तो ये क्या बताता है कि आज हमारा व्यवहार ऐसा है कि हमसे किसी को दुख होता है, तो क्या उसको ठीक कहेंगे व्यवहार को? मेरे व्यवहार से, मेरे मन वचन कहां से किसी को दुख होता है? और मैं ऐसा कह सकता हूं कि वो सही है? नहीं, ऐसा लगता तो नहीं कैसे कह सकते हैं, लेकिन जैसे सत्संग में ऐसी बात निकलती है कि भी जो है ये मैं कौन हूं ये जान लिया तो वो अपने आप ठीक हो गया सब। ये एक अपेक्षा से ठीक दर्शन से हुआ है, मान्यता से हुआ है, व्यवहार से अभी बाकी है। आपके व्यवहार को कौन स्वीकारता है? कोई नहीं स्वीकारता। तो वो क्या प्रमाणित करता है? और यानी हमारे व्यवहार से किसी को दुख होता है, और दूसरा है कि दूसरों का व्यवहार देख के मुझे अभाव होता है, यानी मैं स्वस्थ नहीं रह पाता, तो वह क्या है? आज एक एकदम पॉइंट ब्लैंक कि किसी का फोन आता है और मुझे बाहर जाना पड़े, क्यों जाना पड़े? मैं डिस्टर्ब होता है इसीलिए नहीं बाहर जाता हूं, लेकिन मेरी बात कोई सुन ना ले इसीलिए मैं बाहर जाता हूं, तो वो प्रश्न है शंका का कि नहीं? बिल्कुल है। अगर आप सत्संग ही कर रहे हैं फोन पर भी, तो किसी का भी नाम दिए बगैर आप किसी के भी सामने बात कर सकते हैं, क्योंकि सत्संग का मतलब है टू एक्सप्रेस एंड रिवील प्रिंसिपल ऑफ लाइफ एंड लिविंग एंड ऑफ नेचर, रिवील लॉज ऑफ नेचर। तो उसमें किसी किसको आप ऑफेंड करेंगे या किससे आप ऑफेंड होंगे, आप किसको ऑफेंड करेंगे? तो ये उसको क्या बताया है दादा भगवान ने? बताया बड़ी अच्छी बात बताई है दादा भगवान ने, बताया हमारा व्यवहार इतना ट्रांसपेरेंट हो गया है, आई हैव नो सीक्रेसी इन लाइफ। मुझे ये पता नहीं है, ओनली इन सर्टन एक्सेप्शन, रेयर एक्सेप्शन ओनली दादा भगवान ने हमको सभी को बाहर निकाला है कि आप सब बाहर जाओ, मुझे बात करने दो। वरना जो कोई आए वह उनके सामने ही बात की है। What does that mean? सोचिए। अगर आप सत्संग ही करते हैं तो सत्संग को तो किसी भी तरह से अकेले में करने की जरूरत नहीं है। नहीं, वो सब ठीक है। आप नहीं, ये बात समझना है जी। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सत्संग, आई एम सेइंग अगर आपका व्यवहार ट्रांसपेरेंट है, प्योर है, परफेक्ट है, देन व्हाई डू यू हैव टू हाइड? Why should there be any kind of or any level of secrecy? आप समझे? तो आज हमारा व्यवहार ऐसा है कि हम ओपन नहीं कर सकते, तो उसका मतलब यह है कि वह प्रतिक्रमण मांगता है, so you better do it। जब हम कहते हैं प्रतिक्रमण बाकी है, तो उसका मतलब ये नहीं कि हम आपको क्रिया में डालते हैं। उसका मतलब क्या है? जागृत हुए जब दादा भगवान ऐसा बताते हैं,
कि हमने किसी को डांटा, हमने किसी को इसलिए नहीं डांटा कि हमने उनको दोषी देखा, लेकिन उनसे जो दोष हुआ उसके प्रति वे जागृत नहीं है तो हम उनको जागृत करते हैं। और डांटने पर, डांटने की प्रक्रिया जो दादा ने की, वह प्रक्रिया बोले कि अगर कोई थर्ड पार्टी इन पर्सन, कोई थर्ड पार्टी इंडिविजुअल उनको देखे ऐसे डांटते हुए, तो क्या ये वितरण का व्यवहार है ऐसा बताएंगे कोई? नहीं, नहीं बताएंगे। तो बोले सामने वाले के कल्याण हेतु के लिए हमने डांटा, फिर भी हम, हमारा उसके पीछे प्रतिक्रमण होता ही है। तो हमेशा ये जब बातें बताई जाती है तो यू हैव टू लर्न टू रीड बिटवीन द लाइंस, यू कैन नॉट टेक इट ऑब्वियस। ठीक है, एक वचन, एक दादा भगवान का एक सूत्र तो मुझे पता नहीं है, लेकिन एक वचन ऐसा सत्संग में बात निकली है, इसी बात सुनी है, जो सही विज्ञानी है उनको प्रतिक्रमण की जरूरत नहीं है। उसका क्या मतलब है? इसके लिए तो आप क्या करेंगे? पहली बात तो यह है कि प्रतिक्रमण नहीं करना है ना, तो कोई भी विज्ञानी हो जाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। और अगर कोई ऐसे विज्ञानी है तो उनका व्यवहार कैसा होगा वो तो सोचिए आप। इफ समवन क्लेम्स और इवन विदाउट क्लेमिंग, अगर वे विज्ञानी है, आई बिलीव अगर कोई विज्ञानी है तो भीतर से वे वितराग है और बाहर से 100% कंपैशनेट, विच लॉर्ड महावीर वॉज, विच दादा भगवान वॉज। अगर मैं ज्ञान में हूं, विज्ञान में हूं, और मैं बोलता हूं कि मेरा बाहर से व्यवहार से किसी को दुख होता है, वेर इज दैट लेवल ऑफ कंपैशन? कैन यू से दैट इट इज नॉट नीडेड? नहीं, उसमें खाली संबंध से इनका व्यवहार फिर भी वो जस्टिफाई करता है कि वे विज्ञानी है? नहीं, व्यवहार की जो आप बात बता रहे हैं उसमें मुझे कोई डाउट नहीं है। डाउट प्रॉब्लम खाली इसलिए आती है कि जो सत्संग के अंदर दो व्यू पॉइंट निकलते हैं, एक तो जैसा बता रहे हैं कि भी जो मन वचन काया का प्रतिक्रमण करना है, और दूसरा व्यू पॉइंट ये निकलता है कि भी जो है दृष्टि का प्रतिक्रमण करना है, दृष्टि दोष का प्रतिक्रमण करना है। तो मुझे मुझे प्रश्न ये होता है कि दृष्टि दोष का प्रतिक्रमण कर करके, क्योंकि दृष्टि दोष का भी प्रतिक्रमण जहां भी हमको उसका अतिक्रमण होता है कि भाई मैं विनोद हूं उसमें चले जाते हैं, तो उस दृष्टि दोष का पल पल प्रतिक्रमण चाहिए, और उस खाली उसी प्रतिक्रमण को करके मन वचन काया अपने आप शुद्ध हो जाएंगे कि नहीं? दैट इज माय क्वेश्चन। ऐसा है ना, एक मैटर जो है रिलेटिव, यानी कि अगर आपका घर गंदा है ना, तो मैं दृष्टि अगर मेरी स्पष्ट हो जाती है तो अपने आप साफ हो जाएगा कि कोई करेगा इसको साफ? एक और बताता हूं, एक अनदर एग्जाम्पल। दो बहने हैं, एक बहन जागृत है, अलर्ट है, और उनका रसोई घर जब भी देखो तो नीट एंड क्लीन होता है। क्यों? क्योंकि जब जब कुछ चीज गिरती है ना, जो रसोई घर में ऑब्वियस है कि वो गिरता ही है, काम करते हैं तो गिरेगा बिगड़ेगा, लेकिन वे तुरंत साफ कर देते हैं। और दूसरे बहन है कि शाम को करना ही है ना, ये बार बार क्या पोछा मारने का। तो अभी ये जो एक बहन का रसोई घर है वह ऑल द टाइम नीट एंड क्लीन, स्पीक एंड स्पैन बोलते ना ऐसा, और दूसरे बहन जो है उनका किचन ठीक नहीं होता है, इसको क्या बोलेंगे आप? दोनों दृष्टि वाले
देखिए मुझे दोनों दृष्टि वाले नहीं, मुझे मतलब व्यवहार की शुद्धि होनी चाहिए इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन प्रतिक्रमण किस लेवल का हो इसमें मुझे कंफ्यूजन है, क्योंकि दो बातें सत्संग में ही निकली तो इसमें क्या है कि जो दूसरे आपने जो बहनों की एग्जांपल दिया उसमें प्रतिक्रमण दोनों को ही चाहिए, लेकिन जो दृष्टि का प्रतिक्रमण कर रहे हैं वही मैंने कहा कि पल पल पे वो प्रतिक्रमण चाहिए, क्योंकि पल पल पे मैं उस भ्रांत मान्यता में चला जाता हूँ, तो ये समझ में आना चाहिए कि उस भ्रांत मान्यता में क्यों चला जाता हूँ, जो शुद्धात्मा पद दिया है वो उस भ्रांत मान्यता के कारण फिर मेरे आगे दोष खड़े हो जाते हैं, या क्या वो क्लियर क्लैरिटी नहीं आ रही है? भ्रांत मान्यता नहीं रही क्योंकि भ्रांति नहीं रही, लेकिन व्यवहार के कुछ मान्यता, व्यवहार के पक्ष की कुछ मान्यता आज भी रही जो आपको अजागृत रखता है, क्योंकि वह जो मान्यता है वो ज्ञान से विरुद्ध है। जैसे कि आपको किसी से दुख हुआ, यानी किसी ने आपको दुख दिया, तो तब आपको जागृति रहती नहीं है, क्योंकि कोई भी अगर दुख देता है ना तो भुगतान आता है जी। आएगा बिल्कुल आएगा, राइट। तो तब उस समय हमें यह जागृति नहीं रहती कि ये मेरे कर्म का फल है, यानी कि विनोद जी का कर्म है, विनोद जी भुगतान करते हैं, मैं तो शुद्धात्मा हूं, और आप व्यवहार दृष्टि से विनोद जी के साथ रहेंगे और समता भाव से रहेंगे, समभाव से रहेंगे, तो भुगतान आया, भुगतने वाले ने भुगतान किया, भुगतने वाले को आपने जाना, भुगतान को भी आपने जाना, और आप स्वस्थ रहे। आप समझ गए? तो उसका मतलब क्या हो गया कि भुगतान आया और आप अंदर से विज्ञान से रहे, आपका मन वचन कहां से कोई व्यवहार बिगड़ा नहीं है, यानी आपका कोई प्रतिभाव हुआ नहीं है, कोई प्रतिक्रिया ऐसी हुई नहीं है जो हिंसक है या किसी को किसी भी प्रकार से दुख हो, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। जो महावीर भगवान का या महावीर भगवान की जो परिस्थिति थी वो वैसी थी, बाहर वालों ने उनको तो बहुत कुछ किया, लेकिन उनके अंदर से, उनके मन वचन कह से किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया हुई नहीं थी, मन वचन कह से प्रतिक्रिया नहीं हुई और उनका दर्शन भी एज इट इज रहा, यानी वे संभाव से रहे और भुगतान आया। भुगतान तो शरीर है ना, तो तब तक आएगा ही, राइट। वो उसके साथ की कनेक्टिविटी है, उसे वेदनीय कर्म बोलते हैं, राइट। और वेदनीय कर्म जब तक शरीर होता है तब रहता ही है, उनके साथ जाता है, इसीलिए कहा जाता है कि अनंत अव्याबाध सुख का जो अनुभव है, अनंत अव्याबाध सुख का जो अनुभव है वो निर्वाण होने पर ही अनुभव में आता है। अनंत सुख का अनुभव तो होता है, लेकिन अनंत अव्याबाध किसी भी प्रकार की बाधा पीड़ा बगैर की जो अनंत सुख की अनुभूति है वो तब ही होती है। ये तो एक समझने की बात है। मूल बात यह है कि अब हम इस परिस्थिति को गौर करें तो बोले परिणाम तो भगवान को भी आए, महावीर भगवान को आए, लेकिन उनके मन वचन कहा किसी भी तरह से प्रतिक्रिया नहीं दिए, उनका दर्शन स्वस्थ रहा, उनको ये नहीं हुआ कि उन्होंने मुझे किया, तो शुद्धात्मा दृष्टि से वे अलग ही रहे और उनकी प्रकृति भी ऐसी सहज हो गई थी, सक्षम थी कि उन्होंने किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं दी। अब आप बोलो कि महावीर भगवान को कोई प्रतिक्रमण लगेगा? नहीं, लेकिन जो हम कहते हैं, लेकिन ये जो आपने एग्जांपल दिया, एग्जैक्टली इसी एग्जांपल के अंदर मैं
ये मुझे जो है किसी ने कुछ कहा तो वो असर ऐसी जब आती है कि ये मुझे कहा, उस कारण से बाकी सब प्रतिक्रिया शुरू होती है और दूसरे को दुख दिया जाता है, वाणी वैसे निकल जाती है। लेकिन अगर मेरा दर्शन उस समय पर ही रहे कि नहीं मैं शुद्धात्मा ही हूं, तो वो प्रतिक जो क्रिया बनती है कि दूसरे के ऊपर रिएक्शन जाता है कि मुझे कहा अब ये सामने निकला, तो वो अपने आप बन, ऐसा मेरी समझ में आता है। ऐसा है नहीं, लेकिन वो प्रतिक्रमण अलग से अलग से मन में, लेकिन बात सही है आपकी। तो वो दृष्टि का एक खाली प्रतिक्रमण करने से, पल पल पे प्रतिक्रमण करने से वो बाकी का प्रतिक्रमण अपने आप हो जाएगा, ये उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। एज ए थ्योरेटिकल, एज ए थ्योरेटिकल जरूरत नहीं है। हम क्या कहेंगे कि किसके कारण क्या खड़ा है, विच वन इज फर्स्ट एंड विच वन इज आफ्टरवर्ड। जैसे कि मैं विनोद हूँ, हाँ मैं विनोद हूँ, ये भूल मान्यता पहले हुई उसके कारण सब खड़ा हुआ, ऐसी मेरी समझ उसके है। उसके कारण आपका जो व्यवहार है ना, विनोद जी का व्यवहार जी, और उसके पीछे जो उनकी मान्यता, लेफ्ट ओवर मान्यता है। जैसे दादा भगवान ने बताया कि आपकी भ्रांति गई, अज्ञान गया, ब्लंडर गई, मिस्टेक्स रहे, तो मिस्टेक का निराकरण करने के लिए आपको ये शुद्धिकरण की प्रक्रिया है। और वह मान्यता क्या है कि व्यवहार के पक्ष में आपकी ऐसी स्ट्रॉन्ग मान्यता है कि जो आपको व्यवहार सीधा सरल करने नहीं देती, आप दूसरों को एक्सेप्ट नहीं करते, वैसी सब मान्यता नहीं है। क्या हम स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गए? बिल्कुल नहीं हुए। यानी क्या हम बैगेज जैसे हो गए कि कोई हमें जहां भी उठा के ले जाए, कोई हमें कुछ भी कहे तो अंदर से हम स्वीकार भाव से रहते हैं? नहीं। तो ये जब तक है उसके कारण मन वचन कहा कि गलतियां होती रहेगी, ये मान्यता है। लेकिन आज मेरी वाणी ऐसी है कि किसी को लगती है, आज मेरा व्यवहार ऐसा है कि किसी को लगता है, किसी के लिए मुझे ऐसे अच्छे बुरे विचार आते हैं, तो वो तो बाहर का व्यवहार अभी मेरा सहज नहीं हुआ, इट इज वन वे और दी अदर हर्टिंग अदर्स, तो उसका करेक्शन होना है कि नहीं? हाँ तो नहीं, ठीक है, लेकिन उसका करेक्शन मुझे ऐसा लगता है कि जब ऐसा व्यवहार दिखे तो अंदर ये समझना है कि कहाँ पर मेरी मान्यता बनी हुई है कि मैं विनोद हूँ जिसके कारण से व्यवहार। हाँ, तो वो मान्यता जो है वो क्या है कि मुझे ऐसा बोलना चाहिए, मुझे ऐसा करना चाहिए, और ये जो ऐसा बोलना चाहिए ऐसा करना चाहिए ये मान्यता वायलेंट मान्यता है, हिंसक मान्यता है, जिसके कारण मेरी वाणी निकलती है। उसका मतलब क्या है कि वो मान्यता का गेट मेरा खुला है जिसके कारण ऐसी वाणी निकल जाती है, ऐसा व्यवहार हो जाता है। देखिए, हमारी बिलीफ ऐसा है कि नॉन वेज खाना नहीं चाहिए, कितना भी यू आर स्टार्विंग और नॉनवेज पड़ा है तो यू वुड बी लाइक यू विल नॉट ईट, टू द बेस्ट ऑफ योर कन्विक्शन आप आज भी अभी भी कह सकते हैं कि मैं नहीं खाऊंगा। क्यों नहीं खाएंगे? क्योंकि आपका क्लियर कन्विक्शन है ये खाया नहीं जाता कम वॉट में, ठीक है जी। तो ये मान्यता के कारण आप खाएंगे नहीं, क्योंकि इसके प्रति आपकी मान्यता वेरी क्लियर है, समझ गए? ऐसी मान्यता हमारी हुई नहीं है जिसके कारण हमारा वाणी व्यवहार बिगड़ता है, जिसके कारण हमारे ऐसे वाणी व्यवहार को हमें गुप्त रखना पड़ता है। ये कुछ बातें 1, 2, 3 ऐसी है ना, आपको तुरंत जवाब दे देती है, यू आर रॉन्ग, you are wrong,
बिल्कुल ठीक है तो राइट एंड दैट नीड्स प्रतिक्रमण ब्लेटेंटली खुला कोई भी हमें गलती करते हुए बोलेगा और मैं कहता हूं मैं शुद्धात्मा हूं तो पहले उसका प्रतिक्रमण लगेगा लेकिन मैं दृष्टि से ठीक हूं तो मुझसे ये गलती नहीं होगी अरे इसका वॉमिट किया ना तो मैं देखूंगा तो क्लीन हो जाएगा मेरी वाणी निकल गई मेरा व्यवहार हो गया तो वो तो प्रतिक्रमण लगेगा कि नहीं रसोई घर में कुछ गिरा तो उसको जो सफाई लगेगी कि नहीं जो गलतियां हो गई हैं उसका प्रतिक्रमण बाकी है क्योंकि उसका प्रतिक्रमण नहीं हुआ है अप्रतिक्रमण का दोष है अभी ये ख्याल में आता है कि जो गलतियां हो चुकी है जिसका प्रतिक्रमण नहीं हुआ है उसका प्रतिक्रमण बाकी है ऐसा है जी तो उसके ऊपर फोकस करना है क्योंकि जब तक वो पेंडिंग काम है मेरे दोनों बाजू इतने बड़ी ढेर लगी है फाइल्स की और नई फाइल तो आती रहती है तो वो नई फाइल जो आती है उसको मैं अटेंड कर पाऊंगा जब तक ये क्लियर नहीं हुए तो वो यहीं पर आके जुड़ जाएगी इसीलिए ये बैकलॉग को क्लियर करना जरूरी है पहले शुद्धात्मा दृष्टि से मैं स्वस्थ हो जाऊंगा मेरे पास समय निकलेगा क्योंकि मैं उलझा हुआ नहीं रहूंगा और मेरे प्रतिक्रमण शुरू हो जाएंगे हाँ बोलिए यह कॉन्वर्सेशन और विनोद जी आपने बहुत अच्छा टॉपिक निकाला नाउ आई टू थिंग्स ये विनोद जी दृष्टि दृष्टि बोलता है दैट इज बिलीफ राइट बिलीफ ऐसा है मान्यता राइट हम बोलते हैं हमारी जो मान्यता खुद के संबंध में है वो तो कभी भी हमें पूछते हैं तो हम कहते हैं मैं शुद्धात्मा ही हूँ नहीं नहीं आपने इन इंटरेक्शन में जा रहे कहीं खराब से जाते आपने जो वो अलग है पहली बात हम अपने खुद की आइडेंटिटी के बारे में जब पूछा जाता है तो हम यही कहते हैं मैं शुद्धात्मा हूँ हाँ। लेकिन व्यवहार पक्षी इसे ब्लंडर कहते हैं ब्लंडर में हमारी कोई गलती नहीं होती वेरी क्लियर देर इज नो ब्लंडर मैं निश्चय निर्णय से केवल शुद्धात्मा ही हूँ लेकिन मेरे व्यवहार के संबंध में अभी भी ऐसे अभिप्राय है ऐसा ऐसी मान्यताएं हैं जो सामने वाले को दुख देती है राइट राइट तो सामने वाले को दुख होता है yeah. जो मेरी व्यवहार दृष्टि की गलती है दृष्टि से मैं शुद्धात्मा हूँ So I want to take an example. अभी ओके आ सुबह कुछ तरुण मैंने बोला ओके मैंने रिएक्शन किया ओके इट वॉज नॉट इट इज नॉट गुड रिएक्शन सो देन इमीजिएटली आई सो आई थॉट दिस इज नॉट राइट सो आई सो के ये अच्छा नहीं किया मैंने राइट पर अच्छा क्यों नहीं किया देन आई वेंट थर के व्हाट शी सेड was Rajni ko bola aur dusra mere reaction aaya ke because taru mere galti to I said galti ho gayi then by this taruben ko hum shuddhatma nahi jua taruben is just the media is a so ekarse if I analyze this way and correct my vision is that pratikrama ये तो है आपने आपका विजन का प्रतिक्रमण किया लेकिन आपकी वाणी निकल गई व्यवहार हो गया वह हाँ तो उसका प्रतिबंध किया ना हमने देखा कि ये दिस इज नॉट राइट आई शुड नॉट हैव डन हाँ तो दो दो and, एक बात ऐसी है व्हाई आई डिड दैट प्योरिफिकेशन ऑफ व्हाट हैज ऑलरेडी हैपेंड एंड Why that thing happened? दोनों की क्लैरिटी
जरूरी है। हाँ तो अवे बिलीव द बिलीव दैट कॉज दिस थिंग टू हैपन उसको भी क्लियर करना है एंड वट एवर वर्बल और बिहेवियरल रेंगल जो हुआ उसको भी क्लियर करना है। हाँ तो मैं तुमने बताया मैं शू करियो is that did Rajni did the right pratikram? That's the question. Shukidu. Rajni kayu tamne me su thai vat thai thi me Rajni ne vichar su avyo pratikram karya and analyze karyu is that what Rajni did the right pratikram? That's my question. First thing pratikraman of all the verbal or behavioral wrangle. Clear? No. मैं सु करियो फर्स्ट नो फर्स्ट फर्स्ट लेकिन वो हुआ कि नहीं। हाँ मारे आ ना बोलू जो ये ना बोलू जो ना बोलियो इन्हीं हूँ माफी मांगू जो ये जो मैं बोले उसकी मैं माफी चाहता हूँ मैंने जो किया उसकी मैं माफी चाहता हूँ ये बात है पहले जो गलती हुई उसकी माफी। ये जो आप बोलते कि मैं ऐसा नहीं करूंगा तो ये प्रत्याख्यान में जाता है। I clear my understanding, reinforce my understanding, that is pratyakhyan, that will not allow me to commit that mistake again. Barabar, that's right. Mari bhul thai gayi chhe, mari phari nik. And then... Wo belief ke karan jo galti hui, bani vyavar bigda, us belief ko aapne repair kari, wo belief ka pratikraman hai. बिलीफ का प्रतिक्रमण को प्रत्याख्यान बोलते हैं। रीइन्फोर्सिंग योर बिलीफ दिस इज व्हाट आई वांट। ठीक है कौन से बिलीफ का प्रतिक्रमण किया? वेरी गुड एग्जांपल सो होपफुली क्या बताया कौन से बिलीफ का प्रतिक्रमण किया आपने? ऐसा बोलना चाहिए ये मेरी बिलीफ को करेक्ट करना कि नहीं ऐसा नहीं बोलना चाहिए कभी भी ऐसा नहीं बोलना चाहिए कम वॉट में तो ये आपने वो बिलीफ को क्लियर किया ये बिलीफ को ब्लॉक किया आपने तो इसे अभी दोबारा ऐसी परिस्थिति आएगी तो आपसे वो नेचुरली बोला नहीं जाएगा क्योंकि ये प्रत्याख्यान हो गया उसका अटक जाएगा बार बार करेंगे पछी एनालाइज करूं कि मैं सुदात्मा ना जोया हमने निमित छे मारो पड़गो आवेलो छे so that goes in on the clarification of the belief ke ek no belief mool belief jo hai main shuddhatma hu wo to hai hi but ye vyavhar ke paksh ki jo belief hai na mistakes उसको rectify करना बाकी है। तुम्हें कोई बार मैं जो कर रही हूँ ऐसा समझ आए क्या तरुबेन ने मेरा शुद्धात्मा ना जो है तरुबेन ने मारो ये वो रियल की बात वो शुद्धात्मा नहीं देखा लेकिन आपको बोले वो शुद्धात्मा है कि नहीं हाँ तो ये जो है कि मैं वो शुद्धात्मा ही है वो सही है लेकिन तब आप क्यों नहीं देख पाए यानी लक्ष्य क्यों नहीं रहा तो ये व्यवहार के प्रति आपकी जो मान्यता थी वो आड़े आ गई इसके इस दर्शन के आड़े आ गई और व्यवहार आपको पीछे लेके गया जिसके आधार पर आपका व्यवहार बिगड़ा। अपने सलाह में क्वेश्चन એનો મતલબ એવો થયો કે આપણે પહેલા વ્યવહાર જે વ્યવહારની જે ભૂલ થઈ એની માફી માંગવાની અને પછી આજ્ઞા ભંગના દોષોની માફી માંગવાની એવી રીતે રાઈટ राइट राइट यानी जो गिर गया उसको उठाना है और दोबारा वो गिरे नहीं उसके लिए सावधान होना है। मैटर इज क्वाइट क्लियर। इसमें कोई ऐसा है घर पर आए आपने देखा कि घर पर पानी भर गया है तो आप क्या करेंगे पहले जहाँ से पानी आया उसको बंद करेंगे जहाँ से पानी आया उसको बंद करेंगे अब जो पानी गिरा है ना उसको उठा के सफाई करेंगे। क्लियर या तरुबेन समाधान
લો પછી એમાં આજ્ઞાનિષ ધર્મ અને આજ્ઞાનિષ તપ ક્યાં જાય? એ થઈ ગયું આમાં જ આજ્ઞાનિષ ધર્મ અને આજ્ઞાનિષ તપ થઈ ગયું કેવાય? દેખીએ આજ્ઞા વ ધર્મ ઉસકા મતલબ ક્યા હૈ કે આપકા સંભવ સે નિપટારા હોતા હૈ વો ધર્મ મે આ ગયા લેકિન જબ સંભવ સે નિપટારા હોતા નહીં હૈ ઓર વો તપ કરવાતા હૈ આપકો એ યે કરું વો કરું કરકે રહેતા હૈ તો આપ તપ તપતે હૈ અંદર લેકિન આપકી ગરમી બહાર નિકાલતે નહીં હૈ યુ આર કન્ફાઇનિંગ યોર હીટ ઇનસાઇડ યોર એગ્રેવેશન ઇનસાઇડ તો ભોગવટો થયો ને? નહીં ભોગવટો નહીં થયો વો આનંદ લાતા હૈ કે તો આપકો મારને કા મન કરતા હૈ અભી દો લગા દું એસા બોલ દું લેકિન આપ બોલતે નો યુ કેનોટ ડુ ઇટ ઓર અંદર હી કન્ફાઇન્ડ રહેતા હૈ વો આપકો અંદર સે ગ્લો કરતા હૈ જલાતા હૈ લેકિન વો ક્યુંકી આપસે ગલતી નહીં હુઈ અંદર હી અંદર જલ કે વો શાંત હો ગયા તો ફિર આપકો આનંદ દેતા હૈ કે આઈ ડિડન્ટ કમિટ અ મિસ્ટેક ઓકે બરાબર ઓર જો અંદર ભી ચલા આપ ઉસકી માફી માંગ લેતે હૈ અંદર જો સંઘર્ષ ચલા ના ફોર અ બ્રીફ ટાઈમ એની માફી કઈ રીતે માંગવાની હોય કેવી રીતે હોય મને એક્ઝામ્પલ આપ ઉસે જ્ઞાન સે સમજ ને પર હી વો શાંત હોતા હૈ વહી ઉસકા પ્રતિક્રમણ હૈ જ્ઞાન હી ઉસકા પ્રતિક્રમણ હૈ બરાબર પ્રતિક્રમણ કા મતલબ ક્યા હૈ અંદર સે જો જ્વાલામુખી ફટા ઉસકો આપને જ્ઞાન કે સમજ સે ઉસકો શાંત કર દિયા ઓર ઉસે વાણી યા વ્યવહાર મે આને નહીં દિયા બરાબર યે બાત હૈ લેકિન આજ વાણી વ્યવહાર મે આ જાતા હૈ યાને આપને દરવાજા ખુલ્લા રખા હૈ ઓર આપ બોલતે કે કિસી કો આના નહીં ચાહીએ યે પોસિબલ હૈ ના તો આપકો આપકે ઘર કા દરવાજા ઓલવેઝ લોક રખના ચાહીએ કે એનીવન હુ વોન્ટ્સ ટુ કમ હેવ ટુ ટેક યોર પરમિશન એન્ડ કમ ઇન ધેટ્સ કરેક્ટ એસા હૈ બરાબર આજ જો હમારે વાણી વ્યવહાર હો જાતા હૈ વો હમને દરવાજા ખુલ્લા રખા હૈ इसलिए वो गलती यानी हमारी मान्यता है देयर इज नो प्रॉब्लम वी कैन डू वी कैन से लाइक दैट ठीक है तो हम क्या करते जो बोले हैं जो किया उसका प्रतिक्रमण करते हैं और मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगा ऐसा प्रत्याख्यान करते हैं तरुण कुछ बोलते हैं नहीं मेरा कहना है कि हम प्रतिक्रमण तो करते हैं वे साथ साथ में प्रत्याख्यान नहीं करते हैं वहाँ बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं क्योंकि प्रत्येक बात सही है वो क्या बोल उसे क्या बोला जाता है कि गलती का पछतावा होता है लेकिन कम व्हाट मे आई विल नॉट डू इट अगेन दादा गिव मी दैट इनर स्ट्रेंथ वो प्रत्याख्यान का बल प्रत्याख्यान का फोर्स प्रत्याख्यान का क्लियर डिसीजन नहीं हो रहा है और जब तक ये प्रत्याख्यान नहीं होता है तो हमें जान लेना है कि ये गलती दोबारा होने वाली है आपने दरवाजा कोई अंदर आपके कंपाउंड में गाय भैंस आ गई आपने उसको हकल के निकाल तो दिया प्रतिक्रमण करके उसको निकाल दिया यानी फिर भी आपने गेट खुला ही रखा है अभी अभी फिर गेट को लॉक कर देना चाहिए ना वो लॉक नहीं किया तो फिर से वो गाय भैंस अंदर आ जाएगी प्रत्याख्यान ये बात है ऐसा है ये क्या है कि वाणी व्यवहार में से हिंसक भाव निकल जाए वह लेवल पर अभी हमारी प्योरिफिकेशन हो रही है अभी मेरा पक्ष मन वाणी काया के प्रति ऐसा है कि जो मुझसे गलती करवाता है उसके संबंध में मैंने ठीक तरह से जान लिया नहीं है समझ लिया नहीं है कि ये सब गलतियां हैं उसको सफाई करनी है ज्ञान तो अंदर है वो बाहर से प्योरी स्थूल स्थूल सूक्ष्म 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 तर सूक्ष्मतम इस तरह से प्योरीफाई करते करते आएंगे इसीलिए दादा भगवान ने बताया हमारी बाहर की कोई गलती नहीं देख सकता उस सारे दिन 24/7 मेरे साथ 6 महीना रहे ना तो मेरी एक गलती देख नहीं पाता यानी वाणी की गलती नहीं है व्यवहार की गलती नहीं है व्हाट डज दैट मीन
सोचिए, उन्होंने प्रतिक्रमण किया इसीलिए बंद हुआ कि प्रतिक्रमण नहीं किया, शुद्धात्मा में रहे इसीलिए हुआ, प्रतिक्रमण किया करते करते आए इसीलिए हमने शुद्धात्मा में रह पाए। बराबर। वो जो प्योरिफिकेशन के प्रोसेस में से निकलते निकलते आए तो ये उनका परिणाम है। राइट, ओके, प्योर थई गए એટલે પછી રાઈટ। हमें अंदर अंदर से जागृत हो गए, वी आर ट्राइंग टू बाईपास प्रतिक्रमण। ये बात समझना है। और प्रतिक्रमण में बोझा क्या है आपको, व्हाट इज योर प्रॉब्लम? अतिक्रमण का बोझा नहीं लगता है और प्रतिक्रमण का बोझा लगता है, सोचिए। ये बोझे की बात नहीं है, अंडरस्टैंडिंग की बात है कि इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं साइंटिफिकली कि भी कैसे बन रही है बात। अरे लेकिन वो गलती क्यों हुई वो पहले देखो ना, और गलती हुई तो वो गलती जो हुई उसको तो रिपेयर करेंगे, फिर उसका जो कारण है वो भी रिपेयर करना पड़ेगा ना। कारण को रिपेयर करने से दोबारा नहीं होगा, लेकिन जो ऑलरेडी गलतियां हो गई है उसको तो सफाई नहीं करना है। ऐसा है कि आपने किसी का इंसल्ट कर दिया, आपने उनको उनसे माफी मांगी नहीं है और आपको पता चल गया कि ये बहुत गलत हो गया, अब आप इंसल्ट करते नहीं है, लेकिन जो इंसल्ट हुआ है वो तो उनको याद रहेगा कि नहीं रहेगा? और फिर वो जब मिलते हैं तब आपको आप उनसे माफी मांग लेते हैं तो क्या होता है, उनको भी एहसास हो जाता है कि नहीं, ही सेड सॉरी। नहीं तो आपके सब्सिक्वेंट व्यवहार से वो रिफ्लेक्ट हो ही जाएगा कि आपको बहुत दुख हुआ है। योर व्यवहार विल रिफ्लेक्ट योर रिमोर्स, सही है कि नहीं? Yes. और अगर वो आपने आपको एहसास नहीं हुआ है तो आपका वही व्यवहार और भी कंटिन्यू होगा, तो उनको पता चलेगा ना कि अभी भी उनका ठिकाना नहीं है, गलती तो हो गई लेकिन अभी वे ऐसे ही रहते हैं जैसे कुछ नहीं हुआ, गलती मेरी ही थी, उनकी तो जैसे कोई गलती है ही नहीं, समझ गए? ऐसा है। सुषमा बहन बोलिए, अनम्यूट करना पड़ेगा आपको। I'll do it. I don't know why. आप बोलिए सुषमा, क्या नहीं घनी बार एवं चाले आई केनोट डीड इट दीपक आई ऑल्सो केनोट डू इट ओके कीर्तिबेन बोलिए। थोड़ा जुदो क्वेश्चन है, जय सच्चिदानंद। This is આપણે આરતી સિમંદર સ્વામીની આરતી છે એમાં થોડો ક્વેશ્ચન છે। આપણે ત્રીજી આરતી સ્વામીની ગણધર પદ પામે નિરાશ્રિત બંધન છૂટે આશ્રિત જ્ઞાની થઈ, એટલે એમાં ગણધર પદ પામે અને નિરાશ્રિત બંધન છૂટે એ गणधर का मतलब एक ऐसी भूमिका आती है कि आप भगवान के ज्ञानी के ऐसे लगाव में आ जाते हैं कि उनके निकट के शिष्य हो जाते हैं। इट इज अ स्टेट कि आपको जैसे सिमंदर स्वामी भगवान की भक्ति करते करते आपकी भूमिका ऐसी हो जाती है कि आपको भगवान के प्रति ऐसा लगाव हो जाता है, डिवोशन, समझे?
तो इट इज लाइक गंधर यानी क्या है भगवान के पट शिष्य એટલે યુ કેન ફીલ ધ નિયર એમના એમના નજીક મારે વિથ ધ જ્ઞાન કે ભાવ ઉનકે જ્ઞાન કે પ્રતિ કા ભાવ વૈસા છે ઓર એસા જબ હોતા હે તો હમ જો નિરાશ્રિત થે યાને મેરા ક્યા હોગા મેરા ક્યા હોગા એસા કરકે રહેતા થા અબ આશ્રિત જ્ઞાની હોને પર જ્ઞાની કે આશ્રિત હોને પર અભી આપકો પતા ચલતા હે આપકી ભક્તિ કે કારણ कुछ होने वाला नहीं है जिनको आना है जो आना है वो आओ आई एम रेडी फॉर एवरीथिंग ऐसी ऐसे परिणाम खुलते हैं सो यू यू फील दैट काइंड ऑफ लिफ्टेड यू फील दैट अ स्ट्रांग मेरे सर पर कोई है मेरे साथ कोई है राइट वो फिजिकली है कि नहीं वो सेपरेट बात है लेकिन वे मेरे सर पर है जो मुझे बिल्कुल संपूर्ण सहारा देते हैं जिसके कारण मैं किसी भी प्रकार की लाचारी लाचार महसूस नहीं करता ऐसा है ठीक सुषमा जी आप बोल सकते हैं अभी अनम्यूट हो गए मारो जो पत्ते होना थी हाँ बोलो हेलो हाँ तो त्यार पाची नूचे कि चौथी आरती स्वामी ने तीर्थंकर भावी स्वामी सत्ता दादा कने भरत कल्याण करे भावी तीर्थंकर भरत कल्याण करे उसका मतलब क्या होता है हाँ। कि ऐसा भाव होने पर ऐसे नेचुरली एक सिचुएशन आती है और आपको ऐसे उत्कृष्ट भाव हो जाते हैं और वे तीर्थंकर नाम कर्म धारण कर लेते हैं वो ज्ञान मिलने पर ही होता है ऐसा भाव होने पर कि अभी तो लोगों का कल्याण होना चाहिए कुछ भी हो तो भरत कल्याण एटले पॉसिबिलिटीज ये बताते हैं तीर्थंकर भगवान की आराधना करते करते ऐसी परिस्थितियां आ जाती है और ये नेचुरली आती है करने से नहीं आती जैसे कुछ भी होता है वो स्पॉन्टेनियसली होता है इट इज नॉट आउट ऑफ जैसे एक एक एग्जाम्पल बोली इट्स अ वेरी स्टूपिड एग्जाम्पल लेकिन एक महात्मा यंग यूथ महात्मा ऐसा बताते थे यू नो आप तो पुत्र आई एम गोइंग टू बिकम अ तीर्थंकर आई एम नॉट जोकिंग समवन हैज सेड लाइक दिस ब्लैक एंड व्हाइट यानी वो जो डॉक्टर होते हैं इंजीनियर होते हैं ना ऐसा इस तरह से उन्होंने कहा था आई एम गोइंग टू बिकम अ तीर्थंकर अब क्या बोलेंगे बच्चे बोलते हैं ना तो बड़े समझ लेते हैं ना दैट्स वेरी गुड कीप डूइंग माय ब्लेसिंग्स बोलेंगे कि नहीं इट इज नॉट लाइक दैट ये भक्ति करते करते दिस हैपेंस स्पॉन्टेनियसली एंड नेचुरली स्पॉन्टेनियसली को ही नेचुरल बोलते हैं समझ गए ऐसा है तो ये स्थिति आती है कि वो फिर भविष्य में ऐसे ही तीर्थंकर बने ऐसी उनकी भूमिका आती है फिर जैसे श्रेणिक राजा महावीर भगवान को उनके महल में देखे और देखने पर ही उनको जो भाव हुआ उन्होंने कुछ नहीं किया यानी कोई तप त्याग कुछ नहीं किया राजा है अपने महल में है फिर भी उनकी जो अंदर के जो परिणाम बदले उसका परिणाम यह आने वाला है कि आगे के हाफ साइकिल में भी पहले तीर्थंकर बनने वाले ऐसा प्रमाण दिया है तो जारे आर्थिक थती हो तो समटाइम्स ये एटमॉस्फेयर बहुत भव्य लागे तमने बहुत आनंदमय ने बहुत भव्य लागे पण घणी वखत तमे एक्जेक्टली એ વર્ડમાં યુ નો એ વર્ડ્સની પાવરમાં નહીં હોઈએ અમે તમે જ્યારે પણ સો સ્ટીલ યુ આર લિફ્ટેડ અપ યુ ફીલ ક્લોઝર એવરી ટાઈમ વો તો અલગ અલગ લિફ્ટેડ અપ તો ક્યાં હૈ કે આપ સિમંદર સ્વામી ભગવાન કી આરતી કરતે હૈ તો ઉસકા તો આપકો લાભ હોતા હી હૈ પર જબ જબ એસા ફીલિંગ જાતા હૈ તબ યુ ફીલ મોર એલિવેટેડ ઇટ્સ વેરી ક્લિયર
ठीक है बराबर जय सच्चिदानंद ऐसा होता है। बोलिए सुषमा बहन जी। ऐसा ये जब अपने से कुछ भूल हुई है जैसे तो तुरंत तो एहसास होता है उसका अपन ने प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान हो गया, लेकिन उसको पद्धति से मतलब पूरा विधि के साथ बोलना चाहिए कि सिर्फ अपन ने जो एहसास हुआ उसका प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान हो गया। देखिए आपके जब जब कपड़े बिगड़ते हैं ना तो उसको आप ड्राई क्लीनिंग में देते हैं ना जी। फिर से पूछता हूँ, जब जब आपके कपड़े बिगड़ते हैं तो सभी कपड़ों को ड्राई क्लीनिंग में देते हैं? सभी को तो नहीं, मतलब जो क्या है ड्राई क्लीनिंग का मतलब दुलाई, क्या है जी? धुलाई के लिए देना है वो ड्राई क्लीन जो। अरे ड्राई क्लीनिंग धुलाई और ड्राई क्लीनिंग में बहुत फर्क है। लॉन्ड्री में देते हैं उसके लिए। हाँ एक और एग्जांपल देता हूँ, जुकाम हो गई आपको तो आईसीयू में दाखिल होंगे ना? नहीं बोलिए ना। नहीं नहीं होंगे। नहीं तो क्या करेंगे? क्या घर पे कुछ पहले उपाय कर लेंगे? वो सब कर लेंगे, नहीं होता है तो आगे जाते हैं, फिर नहीं होता है तो आगे जाते हैं। यानी जो गलतियां बार बार होती रहती है और जो जो गलतियां सामान्य होती है उसका प्रतिक्रमण तो हम करते ही है। हाथ में सिर्फ धूल लगी है तो क्या करेंगे? धोलेंगे, फूंक मारेंगे, ऐसा करेंगे, बराबर है जी। अगर कादव लग गया है, कीचड़ लग गया है तो आप पानी से धोएंगे जी। अब तेल लग गया है तो क्या करेंगे? साबुन लेना पड़ेगा, साबुन से धोएंगे। अभी अगर कोई ऐसा कोई पेंट वगैरह लग गया है तो क्या करेंगे? वो टर्पेंटाइन वगैरह सब करेंगे जी। नेल पॉलिश को निकालने के लिए वो लिक्विड होता है ना, पानी से जाता नहीं है जी। सही है। उसका मतलब क्या है कि गलतियां होती है, आप सिर्फ माफी मांगेंगे, गलती हो गई माफ करना, दोबारा नहीं करूंगा, नॉर्मली वो चले जाता है जी। लेकिन जो गलतियां बार बार होती है वो जो स्टबॉर्न उसको बोलते हैं ना, बहुत गहरा दाग पड़ गया है, वो ऐसे पानी से धुलता नहीं है, साबुन से धुलता नहीं, तो आप बोलेंगे अभी इसको ड्राई क्लीनिंग में ही देना पड़ेगा। सही है। तो ऐसा है, वो ऐसा प्रतिक्रमण तब लगता है जी। इसीलिए कहा सबसे बड़ा प्रतिक्रमण क्या है, किसी को शुद्धात्मा दृष्टि से देखना। इसीलिए कहा कि दो व्यू पॉइंट है, किसी के साथ बार बार गलतियां होती रहती हैं तो आप दो व्यू पॉइंट से उनको देखो कंटिन्यूस नॉन स्टॉप फॉर 1 आवर, तो उनको शुद्धात्मा दृष्टि से देखते देखते आपको उनकी प्रकृति का जवाब मिलेगा कि उन्होंने जो आपके साथ किया वो आपका हिसाब है, वरना वो तो शुद्धात्मा ही है। समझे आप? ऐसा है। तो प्रतिक्रमण इलेबोरेट विधि वाला प्रतिक्रमण तो तब लगता है जी। हाँ, दूसरा कि शुद्धात्मा भी हम देखते हैं कई बार, प्रतिक्रमण भी प्रॉपर जैसा होना चाहिए वो भी करते, बार बार रिपीट होता है, जब वही भूल बार बार रिपीट होती है फिर यही होता है कहीं ना कहीं हमारी चूक ही है, सब जान रहे हैं, सब समझ रहे हैं, उसके बाद में भी भूल हो रही है तो फिर वो पुराना ही है, निकलेगा वो नहीं, पुराना तो है लेकिन उसके प्रति का हमारा जो स्ट्रॉन्ग प्रत्याख्यान चाहिए, कुछ भी हो मुझे नहीं करना है, वो कहीं फूक रहे हैं उस चीज को। इसीलिए कहा अगर गलतियां हो रही है तो प्रत्याख्यान की कमी है, अगर बार बार विचार आता है तो वो प्रतिक्रमण की कमी है जी। हाँ, मन में रहता है तो प्रतिक्रमण की कमी है, व्यवहार से होता है तो प्रत्याख्यान की कमी है। ठीक है, यानी वाणी व्यवहार की गलतियां होती है वो प्रत्याख्यान की गलती है। हम बोलेंगे ही नहीं, हम करेंगे ही नहीं, ऐसा तय नहीं हुआ है, कुछ भी हो नहीं करूंगा ऐसा है। ठीक है जी। आपने बताया कि मन का है वो प्रतिक्रम,
मांगता है। मन को क्लियर करने के लिए प्रतिक्रमण है और व्यवहार को क्लियर करने के लिए प्रत्याख्यान है। प्रत्याख्यान का मतलब आपने दरवाजा खुला रखा, गलती का दरवाजा खुला रखना तो गलतियां होती रहेगी। गलती का दरवाजा बंद करने के बाद वो मन में ही आता है, यानी पहले तो वो प्रत्याख्यान जरूरी है तो क्रिया में बंद हो जाएगा, वो मन में आपको परेशान करता रहेगा। लेकिन अगर वो क्रिया में आता है तो मन में है ही, समझ लेना। ये में जो अपना आता है ना करा है ना करावा है या करता प्रति ना अनुमोदा है, तो ये शब्द में आ गया है, उसको रियलाइज नहीं हो पा रहा है, सिर्फ शब्दों से प्रत्याख्यान हो रहा है ऐसा भी लग रहा है कुछ। वो धीमे धीमे वो दिल पर लगेगी, गलती दिल पर लगेगी और बोलेंगे कुछ भी हो मुझे नहीं करना, दादा मुझे शक्ति दो, ऐसा तीव्र भाव कहाँ आता है। ठीक है मैं नहीं करूंगा, ठीक बोल दिया और फिर कई बार आता है ऐसा कि नहीं होगा, नहीं करना नहीं करना, ऐसा कईयों बार पक्का पक्का होता है, फिर भी लेकिन जब आता है ना चिकना हिस्सा तो फिसल ही जाता है। इसीलिए ककड़ी वो बताता है कि प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान, क्योंकि आपने हजार बार उसको साइन किया है, एंडोर्स किया है करने का करने का करने का, तो हजार बार आपको ना बोलना पड़ेगा, नहीं करूंगा नहीं करूंगा नहीं करूंगा, ऐसा है। लेकिन हमें उसे छोड़ना नहीं है, यानी कि उसके पीछे ही लगे रहना है, ना पकड़ के ही रखना। प्रतिक्रमण चाहिए प्रत्याख्यान चाहिए, वो होना ही है। तरुबेन बोलिए। अच्छा वो जो सुषमा जी ने बताया ना कि हम बहुत दृढ़ निश्चय करते हैं फिर भी वो भूल बार बार होती है, दैट मींस कि जागृति का अभाव नहीं, अंदर माल बहुत पड़ा है। कितना कर्म हो कि चिकना हाथ है। हाँ, क्योंकि हमने हमने किसी को हम छोड़ते ही नहीं ना किसी को, ऐसा करना ही चाहिए, ऐसा करना ही चाहिए, मैं ऐसा ही करूंगा, कुछ भी हो मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। और ये एक जन्म का नहीं है ना, अनंत अवतार का रिइंफोर्समेंट हुआ है गलती का, क्योंकि इस लाइफ में तो हिम्मत ही नहीं हुई ये करने की, ये नहीं है ऐसा नहीं ऐसा नहीं, ये तो सब पूरा पिछला भरा सड़ा सड़ा है निकल रहा है पूरा। एग्जैक्ट बराबर है, बोलिए। आपने अभी बताया ना कि जन्मो जन्म का भरा है, तो कितने जन्मों के बाद मनुष्य अवतार मिला है, तो दूसरे जो जो दूसरी गतियों में भी हमने वो कर्म लेके आए, वहाँ तो कर्म नहीं, दूसरी गति में कर्म चार्ज होते नहीं है ना। तो मनुष्य के कितनी गतियों, मनुष्य में ही होता है क्योंकि मनुष्य में ही कर्ता भाव आता है, मनुष्य में करता, मैं करूंगा मैं मारूंगा मैं मारूंगा मैं मारूंगा, वो कितनी बार बोलते हैं, ऐसा बाहर बोलने से ही नहीं होता है, अंदर एक मान्यता के आधार पर भी वो चलता रहता है। इसीलिए कुछ भी होता है हाथ फिर जाएगा, बोले ये कैसे होता है, ऐसा ही होता है। मेरा क्वेश्चन ये है कि आप बोलते ऐसे ऐसे बताए हुए शास्त्रों में, मैंने आपसे भी सुना है और कई सत्संग में सुना है कि कितने अवतार के बाद मनुष्य अवतार मिलता है और काम काढ़ी लो, तो हम मनुष्य अवतार में कई सालों से घूम रहे हैं, सालों से नहीं अवतारों से, अवतार ऐसा है, ऐसा है मनुष्य में पहली बार एंट्री होने के बाद से लेकर मोक्ष मार्ग को प्राप्त करना, वो भी उसकी गिनती अनंत बताई जाती है। बोलिए विनोद जी। मेरा ऐसा समझ थी कि मैक्सिमम 8 बर्थ के बाद दोबारा से ह्यूमन लाइफ मिलती है, और तो एवरी 8 उसके पहले भी मिल सकती है, लेकिन मैक्सिमम अगर एक ह्यूमन लाइफ अभी जैसे मिली तो इसके बाद 7 बार दूसरी योनि में जन्म होगा फिर ह्यूमन बर्थ आ जाएगा। और मेरी ऐसी मान्यता था कि वे जो है इस जन्म में जो कुछ भी मैंने कर्म एक्यूमुलेट किए हैं वो नेक्स्ट ह्यूमन बर्थ तक वो सब वो डिस्चार्ज करने के लिए कुछ तो दूसरी योनि में खत्म हो जाएंगे और बाकी नेक्स्ट ह्यूमन बर्थ तक वो आएंगे। तो जो बोलते हैं कि भी इस जन्म में जो मेरे कर्म हैं वो अनंत अवतार के नहीं होकर
पिछली ह्यूमन बर्थ से कैरिड ओवर जो है वो है। ऐसा है, ये जो एट बर्थ का जो रूलिंग बताया है उसका मतलब क्या है, एक बार मनुष्य होने के बाद, मनुष्य लाइफ मिलने के बाद आप दोबारा आते ही रहते हैं मनुष्य में, एंड उसका गैप मैक्सिमम एट लाइफ्स का है, ऐसा बताया, और वो कंटिन्यूसली प्रोग्रेशन में रहता है, नेक्स्ट लाइफ में भी आ सकते हैं बट मैक्सिमम एट लाइफ के बाद वो वापस आ जाते हैं। राइट राइट, ऐसा है। तो मेरा ऐसा मानना था कि भी जो ये ह्यूमन लाइफ में मेरे जो जो भी मेरे कर्म हैं वो मैक्सिमम अगली ह्यूमन लाइफ तक कैरिड होंगे, वो उसके पिछली ह्यूमन लाइफ का वो कैरिड ओवर, उससे पहले की ह्यूमन लाइफ से कैरिड ओवर नहीं है वो बीच नहीं, के बर्थ, क्योंकि सब खाली नहीं होते ना, लेकिन जो दूसरी योनि में जाते हैं वहां पर जाके खाली हो जाते हैं, ऐसा मेरा मानना। ओके, नहीं 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 वो सब एक्यूमुलेट होता जाता है उसमें जो हुआ, क्योंकि आयुष्य कम है ना, और कम आयुष्य में बहुत ज्यादा नहीं खाली हो सकता है, इसीलिए वो धक्का लगता है, बोले ऐसी गलती करने से 25 अवतार तक आपको फिरना पड़ता है, उसका परिणाम एक अवतार में खाली हो जाए ऐसा नहीं होता है। दूसरी योनि में जाते हैं तो उसका जस्ट सफरिंग होता है ना, दैट्स हां, उसमें कर्ता भाव है नहीं ना, डूअरशिप प्रोजेक्शन इज पॉसिबल ओनली इन ह्यूमन लाइफ, सो बट देयर इज नो डिस्चार्ज इन दैट अदर लाइफ, वो डिस्चार्ज ही है, डिस्चार्ज ही होता है, सफरिंग थ्रू सफरिंग डिस्चार्ज होता है, सो सम ऑफ द कर्मस आर डिस्चार्ज इन दैट लाइफ, जो वहां डिस्चार्ज हो सकता है वही, होता है वही, पूरा नहीं होता, बाकी के जो है वो उसके अनुसार उनको लाइफ मिलती है और ये वो खाली होता है, कैरिड ओवर ऐसा है, खाली तो होता ही है लेकिन अज्ञान के कारण फिर से चार्ज हो जाता है, वो ह्यूमन में ही होता है, बाकी के चार गति है ना वो डिस्चार्ज ही है 100%, लेकिन उसमें सब एक ही लाइफ में सब पूरा खत्म नहीं होता है, वो कितना भरा है उसके ऊपर डिपेंड होता है, बहुत भर दिया है ह्यूमन में तो बहुत ताकत है ना, ऐसा है। बट ऐसा कहवामां आवे छे कि आपणे आज्ञा पाड़ीए तो एक बहु मां बधुं क्लियर थई जाय, आ बहु मां, यस ट्रू, एक बहु का इसीलिए कहा कि ये ज्ञान एकावतारी है, ये जन्म के बाद नेक्स्ट लाइफ महाविद्य क्षेत्र में आप चले जाएंगे, लेकिन अपने आप को देखो, और सॉरी टू से दैट वर्ड, अपनी शक्ल आईने में देखो, यानी ऐसा मैं बुरी तरह से बुरी भाव से नहीं कहता कि जो ज्ञान मिला है जो ज्ञानी मिले हैं उसके प्रति हमारी सिंसियरिटी, आज्ञा के प्रति सिंसियरिटी कहाँ कितनी है, ठीक है चलेगा कर देंगे, और ये भी, ये आज का मनुष्य भव जो है ना वो इतना सक्षम भी नहीं है, फिर भी दिस इज पॉसिबल, उत्कृष्ट एक जन्म में फिनिश हो जाता है, दादा ने अमुक तो जत्थो आपको काढ़ी नाख्यो, सो दैट मींस वी आर अमुक नहीं, बहुत बड़ा स्टॉक खाली हो गया, इसीलिए तो हमें जागृति रहती है कि मैं शुद्धात्मा हूँ, वरना ये जागृति नहीं रहेगी, इज अवेयरनेस कि मैं शुद्धात्मा हूँ वो हो ही नहीं सकता, अभी किसी भी कोई भी परिस्थिति में अगर किसी ने आपको कहा बोलिए आप कौन है, तो बंदूक से उड़ा, गोली से उड़ा दूंगा, मैं शुद्धात्मा हूँ, गोली से जो तो बोले से जिससे उड़ाना है उड़ाओ, मैं शुद्धात्मा हूँ, आपको अच्छा लगे नहीं लगे वो आपका प्रॉब्लम है, मेरा प्रॉब्लम नहीं है ये बात है, बिकॉज दैट्स व्हाट वी हैव अचीव्ड, वी हैव अचीव्ड दैट स्टेट, और वो होना संभव नहीं है और वह हुआ है, अब आपका सोने का टाइम हो गया है,
आपका ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया, पर दीपक आनंद जी ये सत्संग बहुत बहुत बढ़िया। थैंक यू विनोद के ही अप्रोच द गुड टॉपिक एंड बहुत क्लियर हो गया आज। इवन सिंपल वी थॉट के प्रतिक्रम हमको मालूम है, आई थिंक यू क्लेरिफाइड क्वाइट अ बिट, सो इट वाज वेरी गुड। विनोद जी आप एक एक विनोद के मैं बता रही हूँ, आप जब भी प्रश्न पूछते हो, हमने पहली बार आपको मिले थे, लगता है कि आप ज्ञान में तो हो ही, आपका प्रोसेसिंग ठीक है, बहुत ठीक है, क्योंकि बढ़ रहा है आपकी जागृति भी, और इतने अच्छे प्रश्न पूछते हो तो सभी को लाभ होता है, इंक्लूडिंग मे। अच्छा दूसरी एक बात समझ लेनी है, बोलो। सॉरी टू इंटरप्ट तरुबेन, एक बात समझ लेनी है, कहीं से भी कोई भी बात आती है ना, वी हैव टू लर्न टू रीड बिटवीन द लाइंस। वेरी गुड पॉइंट, ये बात समझना है, वो बीच की जो गैप है ना, वो समझ लेंगे ना तो आपको जो सामने से जवाब मिलता है ना उसका समाधान हो जाता है। दैट होमवर्क वी हैव टू डू, और अगर वो नहीं होता है तो पूछ के उसका समाधान कर लेना है। आज बहुत अच्छा समाधान हुआ। रुकता कुछ पूछना है? नहीं नहीं, बोलो तो मैं त्रिमंत्र बोलो। नेक्स्ट टाइम आओ, चला गया। ओके अनम्यूट रुकता बेन, अनम्यूट रुकता, अनम्यूट करो। ओके नमो वितरागाय, नमो वितरागाय, नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धानं, नमो नमो आयरियाणं, नमो नमो वज्जायाणं, नमो नमो लोये सवसाहुणं, नमो लोये सवसाहुणं। एषो पञ्चनमुक्कारो, एषो पञ्चनमुक्कारो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद।